हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं मंगेश और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग क्यू एन ए यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू अर्न $1000 पर मंथ विद इमेज वेबसाइट। तो बेसिकली ये वीडियो एक केस स्टडी वीडियो है जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइव वेबसाइट का एक स्टैट, एक वेबसाइट का ट्रैफिक, उस वेबसाइट से आप कितना ज़्यादा उस वेबसाइट में पोटेंशियल है, हाउ यू कैन मेक मनी $1000 और मोर देन $1000 पर मंथ विद इमेज वेबसाइट। अब दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कंटेंट लिखने में प्रॉब्लम होती है, ना ही वो हिंदी में कंटेंट लिख पाते हैं ना ही वो इंग्लिश में कंटेंट लिख पाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि वो आर्टिकल को दूसरी वेबसाइट से कंटेंट कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर लिखते हैं या फिर इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपनी वेबसाइट पर डालते हैं या आर्टिकल को स्पिन करके डालते हैं। तो उस केस में आपको एक बार को अप्रूवल मिल जाता है एडसेंस का, बट आप उससे अर्निंग नहीं कर पाते क्योंकि वो वेबसाइट रैंक ही नहीं होती, रैंक नहीं होगी तो ट्रैफिक कहाँ से आएगा, और बिना ट्रैफिक के आप जो है एडसेंस से अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो के इसके ऊपर कि आप जो है ट्रांसलेट करके या फिर स्पिन आर्टिकल करके अर्निंग कर सकते हैं या नहीं, लाइव प्रूफ के साथ मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है चैनल पर, ये वाली जाके आप मेक श्योर जरूर देखें। अगर आप भी अपनी वेबसाइट में कंटेंट कॉपी करके डालते हैं या ट्रांसलेट करके या फिर रीराइट करके डालते हैं, तो इसमें मैंने लाइव प्रूफ दिखाया है। तो दोस्तों, उन सभी लोगों के लिए जो जिनको कंटेंट लिखने में प्रॉब्लम होती है, जिनको इंग्लिश में कंटेंट लिखने में प्रॉब्लम होती है, हिंदी में कंटेंट लिखने में प्रॉब्लम होती है, वो अपने एक इमेज वेबसाइट से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एक ऑनलाइन अर्निंग, जिससे आप इजीली अगर आप उस पर जम के 2 से 3 महीने अगर काम करते हैं, उस पर कंटेंट डालते हैं, उस पर इमेजेस डालते हैं, तो 100% आप उससे $100 क्या 300, 400, 500, $1000 पर मंथ भी अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं कि इमेज वेबसाइट में कितना पोटेंशियल है, और इस वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं कुछ कीवर्ड के आइडियाज भी दे दूंगा आप सभी को, जो कि लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड है जिन पे आप अपनी एक इमेज वेबसाइट शुरू कर सकते हैं, किस तरह से उस पे आपको इमेजेस डालनी है, किस तरह से आपको उस पे पोस्ट लिखनी है, किस तरह से उसको रैंक करवाना है, सारा इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। और एक मैं आपके सामने दो साइट दिखाने वाला हूँ, एक साइट जिसपे सिर्फ कुछ ही महीनों में 3 से 4 महीनों में अच्छा खासा ट्रैफिक आया, एक साइट को देख के तो मेरा दिमाग ही फट गया। वेबसाइट का निश कुछ और था, वेबसाइट बनी हुई है इमेज वेबसाइट पर, उस पर ट्रैफिक देखेंगे तो आप जो है उसमें थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस में भी ट्रैफिक है। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ कि वेबसाइट इमेज वेबसाइट में कितना पोटेंशियल है, कितना उससे अर्न कर सकते हैं, क्या क्या डिटेल है, कैसे पोस्ट लिखनी है बिना कंटेंट लिखे, सिर्फ आपको वेबसाइट में इमेज अपलोड करनी है और आपको जो है वहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक का जरूर देखिएगा, कुछ भी स्किप मत करिएगा। हो सकता है मैं इस वीडियो में बीच में आपको कीवर्ड आइडियाज भी दूंगा, अगर वीडियो स्किप करेंगे तो वो जो लो कॉम्पिटिशन वाले कीवर्ड हैं जो ईजिली रैंक करवा सकते हैं वो आप स्किप कर देंगे, तो मेक श्योर वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर आप रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए, और आप इस तरह ही ब्लॉगिंग से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल पर देख सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इमेज वेबसाइट में इतना पोटेंशियल है, आप उससे पर मंथ $1000 तक अर्न कर सकते हैं, और आपको सिर्फ ज़रूरत है कुछ ऐसे कीवर्ड फाइंड आउट करने की, कुछ ऐसे लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं इमेज वेबसाइट से रिलेटेड, जिन पे आप 2 से 3 महीने काम करें आप इजीली उन पे रैंक कर पाएं। अगर आपको नहीं पता लो कंपटीशन कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, ये वाली आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो ऊपर आई बटन भी मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको लाइव कीवर्ड रिसर्च करके बताई है, और साथ ही साथ इस वाली जो है वीडियो में मैंने कम से कम 10 से 12 लो कॉम्पिटिशन वाले कीवर्ड ब्लॉग के आइडियाज़ भी दे रखे हैं, तो ये सारी वीडियो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैं अब आपको एक जो है कीवर्ड, लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड, यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड है इमेज वेबसाइट का, जिसपे आप जो है अगर काम करते हैं, जिस पर आप पोस्ट लिखते हैं, तो ईजिली आप उस पर रैंक कर सकते हैं। अब ये मान लीजिए, अगर आप गूगल पर सर्च करो हैप्पी बर्थडे केक विद नेम्स फ्री डाउनलोड, अब इसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पर आप देखो ध्यान से,
18,100 इसका सर्च वॉल्यूम है, सीपीसी 0.52 है, कंपटीशन 0.01 है, ठीक है। अब मैं कुछ रिसर्च कर रहा था इमेज वेबसाइट से रिलेटेड, तो मेरे पास कुछ ऐसी दो वेबसाइट आई जिनको देख के मैं हैरान हो गया, जिन पे सिर्फ 3 से 4 महीने में 50,000, 60,000, 70,000 यानी कि लाखों में भी ट्रैफिक है। तो वो केस स्टडी जो मैं इस वीडियो में आपको बताया था, केस स्टडी बताने वाला कैसे और साथ ही कैसे आप उन वेबसाइट से लो कॉम्पिटिशन वाले कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, सारा बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली वेबसाइट मेरे सामने आकर जो मैंने रिसर्च करके निकाली वो है birthdayphotoframes.com, ठीक है। ये एक वेबसाइट है। अब आप इसका यहाँ पर DA देखिए, सिर्फ DA यहाँ पर है 14%, PA 21 और स्पैम स्कोर 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, इन्होंने एक सिर्फ माइक्रो निश बनाया है। अब एक इमेज वेबसाइट में आप एक सिंपल जो है वेबसाइट भी बना सकते हैं जिसमें आप सब इंक्लूड कर देते हैं, लाइक आप उसमें बर्थडे इमेजेस भी यूज़ कर देंगे, चाहे आप उसमें गुड नाइट से रिलेटेड इमेजेस भी डाल देंगे, हैप्पी बर्थडे इमेजेस भी डाल देंगे या फिर एनिवर्सरी इमेजेस भी डाल देंगे, तो वो एक हो गया। अब उसमें एक माइक्रो निश भी होता है, जैसे कि आप मान लीजिए इमेजेस वेबसाइट में ही सिर्फ आप गुड मॉर्निंग विशेज को टारगेट कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरा एक ब्लॉग है, सिर्फ उसमें गुड मॉर्निंग से रिलेटेड इमेजेस होंगी, एक गुड नाइट से रिलेटेड या एक सिर्फ बर्थडे केक से रिलेटेड या फिर बर्थडे फोटो फ्रेम से रिलेटेड। तो ये मेरे सामने एक वेबसाइट आई बर्थडे फोटो फ्रेम्स, इसमें देखिए यहां पर ये सारी पोस्ट डली हुई है, सिर्फ बर्थडे केक से और बर्थडे फोटो फ्रेम से रिलेटेड ये वेबसाइट है। अब इनकी मैं अगर कोई पोस्ट ओपन देख के दिखाऊं, यहां पर ये देखिए ये एक पोस्ट है, इसको मैं ओपन करके यहां पर आपके सामने दिखाता हूं। तो ये देखिए कुछ भी नहीं है यहां पर, ये इन्होंने डाला हुआ है और यहां पर देखिए सिर्फ इमेजेस मिलेंगी, फोटो फ्रेम्स मिलेंगे इस पूरी वेबसाइट में आपको। और उसके बाद यहां पर अगर आप कैटेगरीज में जाके देखेंगे तो यहां पर देखिए एनिवर्सरी केक विद फोटो एंड विद नेम एंड फोटो, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ पूरी वेबसाइट में इमेजेस ही इमेजेस है और यहाँ पर गूगल एडसेंस की एड्स भी लगी हुई हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस वेबसाइट में आपको सिर्फ इमेजेस मिलने वाले हैं और थोड़ा बहुत जो है एक इंट्रो टाइप ऑफ कंटेंट वो मिलने वाला है, ताकि गूगल को ये लगे कि वेबसाइट पर कंटेंट भी है। अब इस वेबसाइट का मैं आपको थोड़ा स्टैट्स दिखा दूँ, ये देखिए सिमिलर वेबसाइट हम यहाँ पर स्टैट्स देखने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर अप्रैल में इस वेबसाइट पर सिर्फ 4.59K विजिटर्स थे, अब यहाँ पर देखिए मार्च में सिर्फ 806 विजिटर्स थे, अप्रैल में थोड़ा बूस्ट हुआ 4.5 हुए और उसके बाद ये वेबसाइट इतनी शूट कर गई, इतना ट्रैफिक आ गया, ये वेबसाइट रैंक कर गई। और यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर आया 44,000 का ट्रैफिक आया इसमें मई में, और जून में आप देख सकते हैं 215K यानी 215,000 का यहाँ पर ट्रैफिक आया, और उसके बाद जुलाई में भी यहाँ पर 147,000 का मंथली ट्रैफिक है। तो ईजिली ये वेबसाइट अगर मैं बात करूँ अप्रोक्सीमेटली, तो ये वेबसाइट ईजिली यहाँ पर $300 से $400 या फिर $500-$600 ईजिली अर्न कर रही होगी पर मंथ। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें एडसेंस की एड्स भी यहाँ पर लगी हुई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सारी। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप इस वेबसाइट से लो कंपटीशन वाले कीवर्ड कैसे निकाल सकते हैं और उनके ऊपर आप अपनी एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ से अपना जो ये वेबसाइट है इसका URL उठाना है और आपको जाना है ऊबर सजेस्ट टूल में। ऊबर सजेस्ट टूल में यहाँ पर आपको डोमेन का नाम डालना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कंट्री इंडिया। उसके बाद इस वेबसाइट का सारा कच्चा चिट्ठा ये निकाल के दे देगा, कौन से कीवर्ड पर रैंक कर रही है, कौन सी वेबसाइट पे, कौन सी पोस्ट पे कितना ट्रैफिक यहाँ पर आता है, सारा डिटेल में आपको यहाँ पर बता देगा। अगर आपके पास कोई पे टूल है सेमरश या एचरेफ तो बेस्ट है, वहाँ उसका यूज़ कीजिए। यहाँ पर देखिए इस वेबसाइट पे 2420 ऑर्गेनिक कीवर्ड है, इतना ट्रैफिक है इसका, और यहाँ पर डोमेन स्कोर 1, बैकलिंक सिर्फ 53 यहाँ पर दिखा रहा। अब यहाँ पर देखिए ट्रैफिक स्टैट्स देखिए, यहाँ पर अप्रैल में सिर्फ 324 थे, मई में यहाँ पर 330, उसके बाद एकदम से शूट हुआ यहाँ पर 50,000 से भी ज़्यादा और उसके बाद यहाँ पर 55,000 से भी ज़्यादा। अब नीचे आइए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सबसे पॉपुलर पोस्ट, सबसे वायरल पोस्ट इस वेबसाइट की है ये वाली बर्थडे केक विद नेम्स एंड फोटो, ठीक है। अब इसके कीवर्ड देखिए कौन कौन से कीवर्ड पर ये वाली पोस्ट पर्टिकुलरली रैंक कर रही है और कौन से नंबर पर रैंक कर रही है, पूरा यहाँ पर दिखा देगा। ये देखिए बर्थडे केक विद नेम एंड फोटोज़, इसका सर्च वॉल्यूम इतना है, फर्स्ट पोजिशन पर ये इस कीवर्ड पर रैंक कर रही है, हर महीने इस पर्टिकुलर पोस्ट पर इसको 61,000 से भी ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, सीपीसी इसको इतना मिल रहा है, पेड डिफिकल्टी इतनी है, एसईओ डिफिकल्टी इतनी है। अब यहाँ पर से आप देख सकते हैं इतने सारे कीवर्ड हैं, इनमें से आप यहाँ पर
कीवर्ड्स को फाइंड आउट करके, उनकी सर्च वॉल्यूम देख के, उनकी SEO डिफ़िकल्टी देख के, जिनकी SEO डिफ़िकल्टी 20 से नीचे है या फिर 25 से नीचे, उन कीवर्ड को आप सिलेक्ट करें, उन कीवर्ड को अपनी वेबसाइट पे पोस्ट लिखें, उन कीवर्ड से रिलेटेड आप एक खुद अपना एक माइक्रो निच बुलाएं और उस पर जो है रैंक करवाएं, 3 से 4 महीने आप ईजिली उस पर वर्क करें। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर कीवर्ड्स में देखेंगे तो यहाँ पर जो इसके टोटल कीवर्ड, यहाँ पर देखिए टोटल इतने कीवर्ड इंडिया में इस पर्टिकुलर वेबसाइट के रैंक कर रहे हैं। सर्च वॉल्यूम देखिए यहाँ पर बर्थडे केक विद नेम एंड फोटोज, ठीक है, इतना सर्च वॉल्यूम है, फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है, एसईओ डिफिकल्टी इतनी है। तो यहाँ पर इतने सारे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको जब आप लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड को टारगेट करते हैं ना अपनी वेबसाइट को और वो रैंक करने लग जाती है, तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद आप देखोगे जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है जिन पे कॉम्पिटिशन हाई है उन पे भी आपकी वेबसाइट रैंक करने लग जाती है। अब यहाँ पर देखिए बर्थडे फोटो केक, ये एक हाई कॉम्पिटिशन कीवर्ड है, यहाँ पर देखिए एसईओ डिफिकल्टी 49 है, यानी कॉम्पिटिशन है इस पर, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर रहा है क्योंकि शुरू में इस वेबसाइट ने लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड को टारगेट करा। लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड कैसे, यहाँ पर देखिए जिनकी एसईओ डिफिकल्टी 20 या 25 से नीचे, हैप्पी बर्थडे केक विद एडिट नेम एंड फोटो, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, साथ ही इस पे कॉम्पिटिशन लो है, तो इसने इनको टारगेट करा। यहाँ पर देखिए एक ये और आ गया, यहाँ पर से इस तरह से आप यहाँ पर से लो कॉम्पिटिशन वाले कीवर्ड निकालो, उनके ऊपर अपने एक इमेज वेबसाइट बनाओ, उन पे पोस्ट लिखो, उन पे इमेजेस डालो, सारी चीज़ें आप यहाँ पर करो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर एसईओ डिफिकल्टी देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो 20 या 25 से नीचे वाली एसईओ डिफिकल्टी है ना वो कीवर्ड आप यहाँ पर सर्च आउट करिए। देखिए यहाँ पर एक ये 8 एसईओ डिफिकल्टी वाला कीवर्ड भी है, ये देखिए बर्थडे विश विद नेम्स एंड फोटो। अब इसमें अगर मैं आपको यहाँ पर इसे कॉपी करूँ और यहाँ पर मैं गूगल पर जाके इसे सर्च करूँ, बर्थडे विश विद नेम्स एंड फोटो, ठीक है। अब इसका देखिए सर्च वॉल्यूम मंथली कितना है, 6600 सर्च वॉल्यूम है, CPC 0.1, कॉम्पिटिशन इतना और सर्च रिजल्ट इतने हैं। अब अगर इसको मैं एग्जैक्ट देखूं इस कीवर्ड से रिलेटेड कितने सर्चेज हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सिर्फ 8930 सर्च रिजल्ट हैं, तो आप इजीली इस पर रैंक कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वेबसाइट ने काम करा और आपके सामने रिजल्ट, आपके सामने मैंने आपको पूरा दिखाया कि एकदम से वेबसाइट का ट्रैफिक कैसे बूस्ट हुआ है, कैसे इस वेबसाइट ने छलांग मारी और ये इजीली यहाँ पर $300, $400 या $500 पर मंथ यहाँ से अर्न कर रही होगी। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। अब जो दूसरी वेबसाइट मैंने यहाँ पर सर्च करके निकाली, रिसर्च करके, उसे देखकर तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया, वेबसाइट का निश कुछ और है और वेबसाइट पर कंटेंट कुछ और है, फिर भी यहाँ पर 6 लाख 7 लाख से भी ज़्यादा मंथली ट्रैफिक है इस वेबसाइट पर। ये देखिए यहाँ पर वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए वेबसाइट sarkarinaukrirecherch.in, सरकारी नौकरी। अब यहाँ पर आपको देख के क्या समझ में आ रहा होगा कि वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट से रिलेटेड या फिर जॉब वेबसाइट है जिस पर आपको जॉब वेबसाइट से रिलेटेड पोस्ट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए पोस्ट क्या है, गुड नाइट इमेजेस पिक डाउनलोड फॉर सिस्टर, ये एक बहुत ही लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड है। यहाँ पर देख रहे होंगे गुड नाइट इमेजेस पिक डाउनलोड फॉर सिस्टर, लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड है और सर्च वॉल्यूम इसका ही है। यहाँ पर देखिए गुड नाइट न्यू वॉलपेपर इमेजेस विद ग्राफिक, 256 प्लस बॉय गर्ल प्रोफाइल पिक इमेजेस। यहाँ पर देखिए रिजल्ट से सरकारी नौकरी से या रिजल्ट से रिलेटेड कोई पोस्ट है ही नहीं, तो ये जिनकी भी वेबसाइट है उन्होंने क्या होगा पहले सोचा होगा कि सरकारी जॉब वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन उनसे इन्हें रिजल्ट नहीं मिला होगा और इन्होंने ये जो इमेजेस वाली वेबसाइट का कंपटीशन आपने देखा होगा, यहाँ से कीवर्ड निकाले होंगे और इनने इस पे काम करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ पोस्ट ओपन करके दिखाता हूँ इस वेबसाइट की, आप देखिएगा, आप देख के हैरान हो जाएंगे। इन्होंने इस वेबसाइट पर कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ इमेजेस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमेजेस डाली हुई हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पोस्ट ओपन करी, 522 प्लस गुड नाइट इमेजेस पिक्स डाउनलोड फॉर सिस्टर, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा मुश्किल से 3 से 4 लाइन का डिस्क्रिप्शन डाला, ठीक है, वो आप खुद से भी लिख सकते हैं और उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ कीवर्ड भर दिए, लेटेस्ट फ्री गुड नाइट इमेजेस, गुड नाइट वॉलपेपर डाउनलोड, गुड नाइट नाइट फिक्स फॉर व्हाट्सएप, गुड नाइट नाइट फोटो डाउनलोड फॉर व्हाट्सएप, सिर्फ कीवर्ड भरे हुए। उसके बाद नीचे देखो सिर्फ यहाँ पर इमेजेस इमेजेस और सिर्फ इमेजेस ही डली हुई हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, कहीं पर भी आप मुझे दिखा दो यहाँ पर कंटेंट हो तो सिर्फ इमेजेस और इमेजेस हैं। और ये वेबसाइट का जब मैं आपको ट्रैफिक दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ और पोस्ट दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये वाली, इसमें भी छोटा सा डिस्क्रिप्शन, उसमें भी इन्होंने सिर्फ यहाँ पर कीवर्ड्स भरे हुए हैं, उसके बाद देखो सिर्फ इमेजेस इमेजेस और सिर्फ इमेजेस ही हैं। उसके बाद अगर जितनी भी पोस्ट देखोगे आपको यही देखने को मिलेगा, छोटा सा डिस्क्रिप्शन, उसमें कीवर्ड भरे हुए हैं, उसके बाद इमेजेस इमेजेस एंड ओनली इमेजेस। कोई सी भी पोस्ट आप इस वेबसाइट की ओपन कर लो, छोटा सा डिस्क्रिप्शन,
उसमें कीवर्ड, उसके बाद इमेजेस, इमेजेस एंड इमेजेस, कोई सी भी वेबसाइट आप जहाँ पर चेक करके देख लो। अब मैं आपको, चलिए इसका यहाँ पर अब मैं आपको इसका ट्रैफिक दिखाऊंगा, तो आप ट्रैफिक देख के हिल जाएंगे। यहाँ पर ट्रैफिक देखिए सिमिलर वेबसाइट से, सिमिलर वेबसाइट यहाँ पर देखो। अगर मैं बात करूँ फेब 2019 में इस पे ट्रैफिक था 135K, यानी 135,000। उसके बाद मार्च में 330,000 ट्रैफिक हुआ इसका, अप्रैल में 627,000 ट्रैफिक, मई में थोड़ा कम हो गया 536,000, जून में इसका ट्रैफिक था 739,000, और यहाँ पर अगर जुलाई की बात करूँ तो 7,68,000 मंथली ट्रैफिक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। और अब मैं अगर नीचे करके दिखाऊँ तो मेन ट्रैफिक है इंडिया से, फिर यूनाइटेड स्टेट से, पाकिस्तान से, और उसके बाद मेन ट्रैफिक देखो सारा 86% ट्रैफिक सर्च रिजल्ट से है। अब अगर मैं आपको इस वेबसाइट का ऊबर सजेस्ट पर डाल के दिखाऊँ, तो यहाँ पर भी मैं ऊबर सजेस्ट पर डालता हूँ, इंडिया सिलेक्ट करा और यहाँ पर देख लेना इसका स्टेट, तो यहाँ पर ऊबर सजेस्ट पे डाल के यहाँ से आप लो कंपटीशन वाले कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो इस वेबसाइट ने सरकारी नौकरी सर्च डॉट इन क्या करा है, सिर्फ लो कंपटीशन कीवर्ड के ऊपर पोस्ट, इन्होंने पोस्ट डाली हैं, इमेजेस सिर्फ क्या करा है, मैंने आपको दिखाया अभी छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा, उसमें इमेजेस डाली और कीवर्ड डाल दिए और पोस्ट यहाँ पर रैंक कर गई। तो इसमें इसने क्या करा, कुछ महीने लगातार कंटिन्यूस पोस्ट करते गए, एक दिन में ऐसा ऐसा है यहाँ पर, एक दिन में इन्होंने 10-10 पोस्ट भी डाली है। देखिए ये पोस्ट पब्लिश करी है अगस्त 26, 2019। अब देखो एक दिन में इन्होंने कितनी पोस्ट डाली यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, एक दिन में 7 पोस्ट डाली हैं। और ये इन्होंने क्या करा है, सिर्फ क्या, सिर्फ इमेजेस ही तो डालनी है, कितना टाइम लगता है इमेजेस। अब आप इमेजेस कहाँ से ले सकते हैं, इमेजेस आप गूगल से ले सकते हैं, पर उन्हें एडिट करिए, उनमें अपने कोड्स लिख दीजिए, या फिर खुद से इमेज बनाएंगे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि उस पर कॉपीराइट इशू नहीं आएगा, नहीं तो फिर कॉपीराइट फ्री इमेजेस जो रॉयल्टी फ्री इमेजेस होती हैं, जैसे पिक्सल हो गई, पिक्साबे हो गई, या फिर शटरस्टॉक हो गई, इनसे आप इमेजेस उठा सकते हैं, तो उस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये देखिए ऊबर सजेस्ट में मैंने डाला, देखिए इस वेबसाइट का स्टैट हमारे सामने आ गया, 67,000 ऑर्गेनिक कीवर्ड है, 9,00,000 से भी ज़्यादा मंथली ट्रैफिक है, बैकलिंक इतने हैं, और देखिए ट्रैफिक यहाँ पे कैसे एकदम से बूस्ट हुआ है, और 7,00,000-8,00,000 महीने का ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है। अब देखो डोमेन किस पे है, जॉब वेबसाइट पे, सबसे ज़्यादा इस वेबसाइट की जो सबसे पॉपुलर पोस्ट है वो ये वाली है, 644+ गुड नाइट इमेजेस HD वॉलपेपर पिक फोटो, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा, और इस पर 2 मिलियन से ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर अभी तक इस वेबसाइट पर ये ले चुका है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे सिर्फ कंपटीशन इन्होंने क्या करा है, सिर्फ लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड आउट करें इमेज वेबसाइट के, उसके ऊपर एक छोटा सा 200 से मेरे ख्याल से वो मेरे ख्याल से 3-4 लाइन का ही वो डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें भी कीवर्ड भरे हुए हैं, और यहाँ पर इन्होंने उसको रैंक करवाया है। ये वाली पोस्ट देखिए कितने फर्स्ट पोजिशन पर ये सिर्फ रैंक करी है, ये वाली पोस्ट देखो आप, इन्होंने पब्लिश करी है कब, ये देखो अगस्त 15, 2019, अभी कुछ दिन 10-15 दिन पहले ही ये जो है पोस्ट पब्लिश करी है, और इस पोस्ट सबसे पॉपुलर पोस्ट है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, और इस पोस्ट को देखो आप क्या करें, छोटा सा डिस्क्रिप्शन, उसमें भी कीवर्ड भरे हुए हैं, और सिर्फ इमेजेस। अब एक और तरीका देखो इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर जो सारे कीवर्ड थे, जो कीवर्ड इन्होंने निकाले वो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर टाइटल में भी डाल दिए, इमेज के कैप्शन में भी डाल दिए, इमेज के ऑल टैग्स में भी डाल दिए, ठीक है, ये देखो सब में यहाँ पर टाइटल में डाला, उसके बाद इंटरनल लिंकिंग भी करी, ठीक है, ये देखो ये डाला, फिर कीवर्ड डाला, उसके बाद इमेज, फिर से कीवर्ड, फिर इमेज, सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ कीवर्ड डाले और इमेजेस, पोस्ट पे मिलियंस में ट्रैफिक आ रहा है मंथ का। तो आप सोच सकते हैं कितना पोटेंशियल है, आपको कंटेंट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ इमेजेस डालनी है और आपको जो है यहाँ पर ट्रैफिक मिलने वाला है मिलियंस में। अब इस वेबसाइट का सोचो 7,00,000 मंथली ट्रैफिक है, तो ये इजिली $4,000-5,000 पर मंथ अर्न कर रहा होगा ये बंदा, अगर इसने इस पर एडसेंस लगाया हुआ है तो। यहाँ पर देखिए एडसेंस लगा ही हुआ है, तो यहाँ पर ये इजिली मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ $3,000-4,000 इजिली अर्न कर रहा होगा, सिर्फ करना यह है इमेजेस डालनी है। तो दोस्तों यहाँ से आप इस वेबसाइट से भी कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर कीवर्ड आइडिया में जाइए, जो भी वेबसाइट आपको मिले उसको यहाँ पर सिंपली ऊबर सजेस्ट में डालो और कीवर्ड में आ जाओ, ठीक है। कीवर्ड में आने के बाद यहाँ पर आपको सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिन जिन के लिए ये रैंक कर रही है, उसके बाद इनकी SEO डिफ़िकल्टी देखो, जो 25 से कम वाले SEO डिफ़िकल्ट हैं
उन्हें गूगल पे सर्च करो, उनका सर्च वॉल्यूम देखो, सर्च रिजल्ट देखो और उन पर पोस्ट लिखना आप शुरू करो। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये केस स्टडी पसंद आई होगी, इमेज वेबसाइट से रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा कि इमेज वेबसाइट में कितना पोटेंशियल है, कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं इससे रिलेटेड एक और वीडियो बताऊँ जिसमें मैं आपको पूरा बताऊँगा कि कैसे इमेज वेबसाइट पर पोस्ट लिखना है ताकि वो रैंक करे, तो उसके ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कैसे बनाना है, कैसे पोस्ट लिखनी है, कैसे इमेजेस लानी है, कहाँ से इमेजेस लेके आएंगे इमेज वेबसाइट के लिए। तो अगर इस वीडियो पर 500 लाइक आ जाते तो ये नेक्स्ट वाली वीडियो जिसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इमेज वेबसाइट पर कैसे पोस्ट लिखनी है, कितनी पोस्ट लिखनी है, कितने टाइम वर्क करना है, क्या करना है जिससे वो जो है रैंक हो जाए, आपको भी 6-7 लाख पर मंथ ट्रैफिक मिले, तो मुझे इस वीडियो पर 500 लाइक मिल जाएंगे तो मैं वो वाली नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अमेजिंग एसईओ से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। और मेक श्योर वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि आपको फ्यूचर में जो वीडियो है इमेज वेबसाइट पर कैसे पोस्ट लिखनी है, कहाँ से इमेजेस लेनी है पूरा डिटेल में बता पाऊँ। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपको एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।